So, अलग अलग टूल डिस्कस किए हमने पिछले दिनों, सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे नए विश्वास पैदा कर सकते हैं, कैसे हम नए विचार जिंदगी में लेकर आ सकते हैं। उसी लाइन में चलते हुए आज एक बहुत जबरदस्त टूल डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है जस्ट फॉर टुडे। सुना है ये किसी ने? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ से आया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले अल्कोहलिक एनोनिमस आया। अल्कोहलिक एनोनिमस क्या था? दो अल्कोहलिक थे, शराबी थे, शराब पीते थे, बार बार कोशिश की छोड़ने की, कुछ दिन छोड़ देते थे लेकिन फिर दोबारा लग जाते थे, बहुत बार प्रयास किया फिर लग जाते थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। अंत में ये आ जाते ना सिचुएशन कि छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे थे, तो डेली पैसेंजर हो गए। एक दिन क्या हुआ, ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे, शाम का वक्त था, बात करते रहे करते रहे करते रहे, बात करते में करने में भूल गए कि शराब पीने का जो टाइम है वो निकल गया। गए, दुकानें वगैरह बंद हो गई और इन्होंने सोचा कि यार आज का दिन तो निकल ही गया तो इसको निकल ही जाने दो। इससे उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। उन्होंने कहा यार आज के दिन हमें पता ही नहीं चला कब टाइम बीत गया, बातों बातों में हमारा टाइम निकल गया, तो क्यों ना हम रोज ऐसे करें। रोज शाम को उन्होंने क्या करना शुरू किया, मीटिंग करनी शुरू कर दी, वो बातचीत करनी शुरू कर दी और वो इतना मशरूफ हो जाते थे, वो टाइम बीत जाता था और ऐसे करते करते एक एक दिन करके इन्होंने बिताना शुरू कर दिया। और मंत्र क्या था, आज का दिन नशा नहीं करना, कल के दिन की कल को देखेंगे, ठीक है ना। सो एक एक दिन करके इनका चलता रहा, एक एक दिन करके एक हफ्ता बन गया, एक एक हफ्ता करके एक महीना बना। लोगों ने देखना शुरू किया यार ये जादू क्या है, ये लोग शराब कैसे छोड़ गए। धीरे धीरे चर्चा होनी शुरू हो जाती है ना भी ये छोड़ गए, ये शराबी थे। तो करते करते एक और आदमी ने पूछा यार मैं भी शराब छोड़नी चाहता हूँ, आपने कैसे छोड़ी मुझे कोई फंडा बताओ। तो उन्होंने बताया, कहते यार हमारा तो ये टेक्निक है, शाम के वक्त हम बैठ जाते हैं और बातचीत चलती है और ऐसे हम अपना दिन निकाल लेते हैं। तो उसने कहा यार मेरी भी हेल्प करो, कहते हाँ करेंगे तेरी भी करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके बिल एंड बॉब थे जो उनके साथ तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा और ये टेक्निक इतनी कामयाब होगी कि धीरे 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 वहां पर बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया जिसको बोलते थे अल्कोहलिक एनोनिमस। अल्कोहलिक मीन्स जो शराबी हैं, एनोनिमस मीन्स वो जो नाम को गुप्त रखते थे, आपकी जो पहचान है वो किसी को बताते नहीं थे कि ये आदमी भी हमारे ग्रुप में। तो आप अपनी मर्जी से बताना चाहो तो अलग बात है, लेकिन वो लोग आपका नाम, पता, चेहरा किसी को नहीं बताएंगे, एनोनिमिटी बोलते हैं इसको। सो दैट इज व्हाई अल्कोहलिक एनोनिमस। तो इस तरीके से वो ग्रुप बना, धीरे धीरे हर शहर में खुलना शुरू हो गया। आज पूरे विश्व में इनकी हर देश में अलग अलग ब्रांचेज हैं और ये संस्था बहुत कामयाब है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इससे हेल्प लेके ठीक हुए। ऐसे ही एक संस्था बनी इसकी कामयाबी देखकर जिसका नाम था नारकोटिक एनोनिमस। अल्कोहलिक एनोनिमस किन के लिए थी, जो सिर्फ शराब पीते थे। नारकोटिक एनोनिमस किन लोगों के लिए है, जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, वो सब तरह के नशों के लिए हो गए, क्लियर है। सो कॉन्सेप्ट इसके पीछे भी वही था कि एक एक दिन करके हम इस चीज को छोड़ेंगे। फंडा देखो इसके पीछे एक तो सबसे बड़ी चीज क्या काम कर रही है, देखो जब भी हम नशे पे लगे थे ऐसा नहीं था एक दिन सुबह उठा आदमी और सुबह जाके दुकान पर गया और कहता कि मुझे नशा दे दो। कोई भी आदमी हवा में नशे पे नहीं लगा, जब भी आप नशे पे लगे थे किसी न किसी दोस्त ने, किसी न किसी के ऊपर जिसके ऊपर आप विश्वास करते थे, जिसके साथ आप बैठते थे, उसी ने आपको ऑफर किया होगा कि यार पी के देख। यही होती है ना शुरुआत, आपको किसी न किसी की संगत में ही यह शौक पैदा हुआ और किसी न किसी ने आपको लगाया और उसके साथ रहते रहते आपका जो लाइफ बदलनी शुरू हुई आप नशे पे लगे। अब छोड़ने में भी यही नियम काम करेगा। अब आप छोड़ने की बात कर रहे हो, आप नशा छोड़ना चाहते हो, तो ये नियम वहां पर भी काम करेगा। अब तक हम किन लोगों को देखते रहे, हमने ऐसे लोग देखे जो नशा करते हैं और बार बार लग जाते हैं और वो क्या कहते हैं, नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल है, नशा नहीं छूट सकता। हमें ऐसे लोग दिखे ही नहीं रहे जो कहें कि मैं ठीक हो गया, मैंने नशा छोड़ दिया।
उस ग्रुप में जाकर आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं कि जिनको देख देख कर आपको लगता है कि यार ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। और जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरी वाइफ चली गई, मैंने ये किया, मैं रोड पे आ गया और फिर मैं कामयाब हुआ, जब आप देखते हो सुनते हो आपके अंदर भी मोटिवेशन पैदा होती है, यार मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, कई बार ऐसे होता है, कई बार आपको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, अगर ये सब कुछ इसके साथ भी हुआ, ये ठीक हो गया तो ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और तीसरा फायदा क्या होता है, जब आप नशा छोड़ने की बात करते हो ना, विश्वास नहीं आता, आपको लगता है कि यार कहाँ छूटेगा नशा, है ना। आज के दिन जब आपको कहा जाता है नशा छोड़ दो, अंदर से फीलिंग आती है कि शायद मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, और ये शायद मुश्किल काम है। आपको लगता है कि शायद नशा छोड़ के ना खुशी नहीं रहेगी, एंजॉय कैसे करूंगा जिंदगी को, बोरिंग हो जाएगी लाइफ, टाइम कैसे पास होगा, मस्ती कैसे होगी, जिंदगी शायद उदास हो जाएगी नशा छोड़ दूंगा। लेकिन जब आपको रोज रोज ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी वहां पर, ऐसी ऐसी शेयरिंग सुनने को मिलेगी, जब वो बताएंगे कि यार शुरू शुरू में तकलीफ हमें भी हुई थी, हमें भी ऐसा ही लगता था कि नशा छोड़ के हमारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हमारी सोचने की शक्ति वापिस आई और हमारे जो महसूस करने का जो फीलिंग है वो वापिस आई और आज हम बिना नशे के भी खुश हैं। जब ये चीजें आप देखते हो सुनते हो महसूस करते हो और उनको रियल लाइफ में जाकर देखते हो, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे आपका माइंड भी मानने शुरू कर देता है कि ये पॉसिबल है, जो अब तक असंभव लग रहा है वो संभव बनना शुरू हो जाता है। चाहे अल्कोहलिक एनोनिमस है, चाहे नारकोटिक एनोनिमस है, NA और AA दोनों में एक ही मंत्र है, एक ही फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर ठीक होना है, नशा छोड़ना है, तो आपको पूरी लाइफ की तैयारी नहीं करनी, आपको पूरी जिंदगी का प्लान नहीं बनाना, आपको सिर्फ एक दिन का प्लान बनाना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं एक साल नशा छोड़ दूंगा, 6 महीने छोड़ दूंगा, आपने टेंशन ही नहीं लेनी आने वाला वक्त कैसा होगा। ये कहते हैं कि आपने सिर्फ एक दिन की चिंता करनी है कि आज मैं नशा नहीं करूंगा, आज के दिन मैं नशे से दूर रहूंगा, कल की टेंशन कल लेंगे, आज जो मेरे हाथ में है मैं इसको अच्छे से बिताऊंगा, आने वाले वक्त में जो होगा वो बाद में देखेंगे। सो ना भविष्य की चिंता ना पास्ट का जो अफसोस, सो कहते आज को अच्छे से एंजॉय करो, कल भी अच्छा ही होगा, कल आएगा तो कल देख लेंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके से बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ठीक हुए। अब इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई भी, ये चक्कर क्या है, इतनी कामयाबी के पीछे लॉजिक क्या है, ये सिंपल सी टेक्निक है जस्ट फॉर टुडे, लेकिन इफेक्टिव इतनी है कि करोड़ों लोग ठीक हुए। इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हुई, साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया ये काम कैसे करते हैं। तो फंडा सिंपल सा है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है। जब आप अपने दिमाग को कोई बड़ा लक्ष्य दे देते हो, बड़ा टारगेट दे देते हो, तो आपका दिमाग डर जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने पूरी जिंदगी नशा नहीं करना, आप चाहे जितने मर्जी मोटिवेटेड हो, अंदर से डर पैदा हो जाता है, पता नहीं छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, घर वाले साथ देंगे नहीं देंगे, तो मन के अंदर शक पैदा हो जाता है, संशय पैदा हो जाता है, और फिर हमें लगता है यार 2-3 महीने बाद तो बंदा दोबारा लग ही जाता है, तो दिमाग कमजोर पड़ जाता है। इसके उल्ट जब आप अपने दिमाग को कोई छोटा टारगेट देते हो, दिमाग उसको 100% स्वीकार कर लेता है। सो जब भी आपके पास कोई बड़ा टारगेट हो ना, उसको छोटे टारगेट्स में बांट लो, तो आपका दिमाग उसको स्वीकार कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा थीसिस था PhD का, मुझे बड़ा टाइम नहीं मिलता था, मुझे लगता था यार इतनी मोटी बुक लिखनी है, इतना लंबा रिसर्च करना है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी और सोच सोच के डर लगता था और नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 3-4 थीसिस उठाए। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप भी, ऐसा नहीं कि नशा छोड़ने के लिए काम आती है ये टेक्निक, कोई भी बड़ा काम करना ना उसमें ये काम आएगी। तो मैंने देखे, मैक्सिमम मैंने पेज गिनने शुरू किए, मैंने 3 थीसिस उठाए, मैंने देखा इनके कितने पेज होते हैं, तो मैंने देखा उसमें कोई 300 पेज का था, कोई 260 पेज का था, कोई 300-350 पेज का था, मैक्सिमम 300 के आसपास मैंने देखा कि पेज है। तो मैंने देखा कि यार क्यों डर रहा है तू, एक दिन में अगर एक पेज भी मैं लिखूं, एक दिन में अगर मैं एक पेज भी लिखूं तो एक साल में कंप्लीट हो जाना ये था। तो मैंने अब 300 थीसिस को देखना बंद कर दिया, मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि यार पूरा थीसिस लिखना है, पूरी बुक लिखनी है, मैंने तो ये सोच लिया कि एक दिन में सिर्फ एक पेपर लिखना है, मैंने बस एक पेज लिखना है और इस पे ध्यान देना है, और मैंने पूरे पेज पे भी ध्यान नहीं देता शुरू में, तो
मैं कहता हूँ एक पैरा लिखना है, मैंने आज किस चीज़ के बारे में लिखना है, मैंने सिर्फ इतना सा लिखना है, जैसे मैं अब बैठा हूँ, मैंने कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ा, मैंने इतना सा दिमाग चलाया, पहला पैरा, फिर सेकंड पैरा, फिर थर्ड पैरा, फिर फोर्थ पैरा। और यकीन कीजिए, शुरू में ये असंभव लगने वाला काम धीरे धीरे पॉसिबल दिखने लग गया। जैसे जैसे पेज बढ़ते गए, 10-20 धीरे धीरे 100-150 हुए, तो मेरे दिमाग में आने लग गया कि नहीं यार अब तो हो रहा है। और जो काम मेरे पिछले 4-5 साल में नहीं बढ़ रहा था आगे, और वो दिनों में बढ़ना शुरू हो गया। सो जब आप बड़े लक्ष्य को देखते हो तो आपको डर लगेगा, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दो तो वो आसान दिखने लगती हैं। और सिर्फ आज पे ध्यान देना है, बस मेरा एक टारगेट है कि आज के दिन मैंने सिर्फ एक पेज लिखना है। और मुझे पता चल जाता है अगर आज एक पेज नहीं लिख पाया तो मैं पीछे हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अगले दिन उसको टाइम निकाल कर 2 करूं पूरे। सो साथ के साथ कोशिश रहती है कि उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। क्लियर हो रहा है मेरी बात? सो कोई भी बड़ा काम है, फॉर एग्जांपल आपने वेट घटाना है, अब देखो कितना मुश्किल होता है। कई बार हम कर लेते हैं, कई बार फिर गड़बड़ हो जाता है। सो आपने ये नहीं सोचना कि हाँ मैंने 10 किलो वेट घटाना है। आपका टारगेट क्या है? आपने सिर्फ इतना सोचना है कि आज सुबह मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है बस। थोड़ा बताओगे? मैं पहले दिन मैं गया ग्राउंड, मतलब थक गया। मैं सोचा भी अज दा दिन ही करना। मेरे आ कमीजा देख लो, पहले मैं इदा मोटा हुंदा काफी। मैं बाद च सोचा तकनीक वरती जिहड़ी सर ने दसी भी, मैं अज दा दिन ही करना, कल दा कल सोचांगे। काफी दिन इदा ही चलदा, हुण मैनू ना साल हो गया एक्सरसाइज मैं डेली करदा, भी अज दा दिन ही करना। So, आपको समझ आ रही है? ये सिर्फ नशा छोड़ने के काम नहीं आती। अब इनको मैंने नहीं बताया, इन्होंने खुद ही यूज किया। हर फील्ड में जो चैंपियन है, कामयाब आदमी है, वो चाहे स्पोर्ट्स में कामयाब है, चाहे किसी भी फील्ड में है, तो वो जाने अनजाने इन तकनीकों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था, 97 किलोज और 38% बॉडी फैट। मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया, क्योंकि अब ये होगा नहीं। जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, वो चीज़ बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। आप निराश हो जाते हो, पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है। तो ये जो निराशा की थॉट्स आते थे मेरे मन में, मैं उनको हटा देता था और मैं सोचता था कि जो भी है सिर्फ आप इस दिन के बारे में सोचो, जो सफ़र है उसके अंत के बारे में मत सोचो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 10 किलो घटाना है, आप 10 दिन दौड़ोगे फिर तोलने लग जाओगे, तो आपका जो मोटिवेशन है डाउन जाएगा। इससे बेहतर है कि आपने कुछ नहीं टेंशन लेनी, आपने सिर्फ एक लक्ष्य बनाना है कि मैंने आज के दिन 30 मिनट 40 मिनट्स मैंने इतना रनिंग करनी है, बस दैट्स ऑल। बस आज का जो मेरे हिस्से काम है मैंने वो करना है, बाकी बाद की बाद में देखेंगे। सो आप जब ये करते रहते रिजल्ट अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। सो आपने रिजल्ट पे नहीं, आज के दिन पे जो आपके पास काम है उस पे ध्यान देना है। चीज और देखिए, कभी आपने रनिंग की है? तब जब आपने ना सोचा कि मैंने 1600 मीटर भागना है, 4 राउंड लगाने हैं उस ट्रैक के, तो आपका दिमाग डरना शुरू हो जाता है। मुझे नहीं पता, कई हो सकता है स्टैमिना बहुत ज़्यादा हो। मेरे जैसा आदमी, मुझे शुरू शुरू में जब मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जाता होता था तो मुझे लगता था कि यार 1600 मीटर बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करता था, मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था, वो कहता था जब भागना ना नीचे नहीं देखना, दौड़ते हो ना जब, कहता नीचे भी नहीं देखना, अपने बॉडी की तरफ भी ध्यान नहीं देना, कहता सिर्फ दूर देख है ना, सीधा देखना है। और क्या करना है, कहता अपने आप को बस ये सीख कहना है कि बस इतने तक, बस उतने तक, बस इतने तक। वो मैं ऐसे ही करता था। जब बहुत ज्यादा थक जाता था वो कहता था रुकना नहीं, स्लो हो जाना है, बहुत स्लो हो जा, जितना स्लो हो सकता है बस ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे। अगर बहुत थक गया तो स्लो हो जा, जैसे सांस टिक गई फिर भागना शुरू कर दे, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाएगा। और ऐसे ही होता है। सो सिंपल सा है, अगर आपने नशा छोड़ना है तो आपने बड़े लक्ष्य को छोटे में बांटना है, और धीरे धीरे एक दिन, दो दिन, हफ्ता, ऐसे ऐसे महीना, फिर साल हो जाता है। और इस चीज को समझिए, ये टेक्निक हम यूज करते हैं, हम भी करते हैं नशा, लेकिन हम इस टेक्निक का यूज कैसे करते हैं, हम इस टेक्निक का यूज उल्टा करते हैं। हम क्या कहते हैं, आज आज करूंगा कल से छोड़ दूंगा, यही करते आए ना।
और कल को फिर आ जाता, फिर हम सोचते हैं यार बस आज कर लूँ। और मैं एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ऐसे एक क्लाइंट आया मेरा, पेशेंट कहना भी मुझे सही नहीं लगता, क्लाइंट ही कहूँगा क्योंकि आप बीमार नहीं हो, है ना, आप ठीक ही हो ना, है ना। तो ऐसा ही एक क्लाइंट आया, अच्छे घर का था, पढ़ा लिखा था, बहुत स्मार्ट था। और मैंने पूछा, यार तू पढ़ा लिखा फैमिली है, तेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छा लड़का है तू, स्मार्ट लड़का है, तो तू कहाँ इस चक्कर में पड़ गया, और तेरी एज भी अच्छी है, इस एज में कहाँ तू लग गया। तो वो हंसने लगा, कहता सर मैं नशा कभी नहीं करता था, मैं तो नशा करने वालों से नफरत करता था, मैं बैठता भी नहीं था ऐसे लोगों के पास, मैं मेरे से डरते थे जो नशा करते थे, भाई ये घर बता देगा हमारे। तो कहता मेरे से डरते थे, मेरे से कोई बात नहीं करता था। मैं क्या फिर कैसे लग गया, कहता सर बस जब टाइम माड़ आता है ना तो कई बार ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा फिर भी बता दो सही। उसने बताया मुझे अपना एक्सपीरियंस। कहता हुआ क्या, कहता मेरे ना एग्जाम खत्म हुए थे मास्टर डिग्री के, एमए की थी। कहता मेरे एग्जाम खत्म हुए, चार पांच फ्रेंड इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार अपन यात्रा करने चलते हैं, अब छुट्टियां आई हैं, थोड़ा माइंड फ्री हुआ है, रिलैक्स हुआ है, तो बाइक लेके यात्रा करके आते हैं। तो कहता तीन दोस्त मेरे थे, फिर आगे उन दोस्तों के दोस्त, दोस्तों के दोस्त, और करते करते कहता 15-20 लड़कों का ग्रुप बन गया। कई डायरेक्ट फ्रेंड थे, कई इनडायरेक्ट थे, हो जाता है ना जैसे वो उसका फ्रेंड है वो उसका। तो कहते 15-20 लड़के, और हमने प्लान बनाया कि बाइक पे जाएंगे। अब मैं धार्मिक स्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पहाड़ों में था। तो उन्होंने बनाया और आगे झंडियां लगा ली, वो होती है ना झंडियां लगाई आगे, और नारे लगा के चल पड़े। अब देखो बाइक पे भी स्टेमिना चाहिए ना, हमारी कौन सा प्रैक्टिस है 8-8 घंटे बैठने की बाइक पे। बाइक पे कहना आसान है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लंबा सफ़र हम नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या, 2-4 घंटे तो एंजॉय किया, कहते 4 घंटे के बाद वो कहता कि मेरे तो पेन होनी शुरू हो गई बैक में, तो अब क्या करूँ। कहता मैंने उनको कहा कि यार पेन हो रही है, 2-4 लड़के और करने लगे ऐसे भी, यार नहीं चला जा रहा। वो कहता क्या करते थे, रुकते थे साइड पे, जाते थे बीच में से, जो 8-10 लड़के थे, 4-5 थे जो कोई नशा नहीं करते थे, 8-10 लड़के थे वो साइड पे जाते थे, धुआं सा उड़ता था, फिर फ्रेश होके आ जाते थे। वो कहता हमें पता तो चल गया क्या चल रहा है यहाँ पे, नशा कर रहे थे वो। तो अफसोस भी हुआ यार मैं किन के साथ आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था। वो धीरे धीरे जो 4-5 लड़के थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया चंडीगढ़ क्रॉस करके भी, यार अब हमारे बस की बात नहीं, अब मैं नहीं चला सकता बाइक, बैठ नहीं सकता, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा यार आप भी लगा लो एक एक लाइन। तो कहता मेरे साथ वाले 2-4 लड़के उन्होंने मना किया जो नहीं पीते थे। कहते फिर उन्होंने कहा चल यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, फन करने आए तो फन कर लेते हैं। वो कहता सिर्फ मैं रह गया कल्ला ग्रुप में। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मुझे पूछना भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं करनी, मुझे नहीं कहना, मैं वापस चला जाऊंगा नहीं तो, भड़क गया मैं। लेकिन कहता काउंसलिंग, नेगेटिव काउंसलिंग भी होती है ना, एक पॉजिटिव काउंसलिंग होती है एक नेगेटिव होती है। तो कहता एक समझदार सा पढ़ा लिखा लड़का है, कहता यार मुझे ये बता तू दवाइयां खाता है। मैंने कहा हाँ जरूरत पड़ेगी तो खाऊंगा। कहता तुझे पता है दवाइयों में नशे होते हैं, हम भी सुनते हैं ना ऐसी बातें और नेगेटिव बातें। तो कहता हाँ होते हैं। तो कहता फिर दवाई भी मत खाया कर। वो कहता जरूरत होती है तो खाता हूँ वरना थोड़ी ना खाता हूँ। वो कहता अब तुझे पेन हो रही है कि नहीं हो रही। कहता पेन तो हो रही है, कहता फिर दवाई समझ के खा ले। लॉजिकली ना, कहता तुझे पेन हो रही है कि नहीं हो रही। कहता हाँ पेन तो हो रही है यार। कितनी हो रही है, कहता बहुत हो रही है। कहता फिर तू पेन किलर समझ के ले ले। वो कहता है ना बातों में आ गया। और मैं और कहता मुझे कहते कहते यार हम कौन सा मर गए पी के, एक बार में तू थोड़ी मर जाएगा, ट्राई तो करना चाहिए, एक बार ट्राई कर ले, कल से मत पीना, नाले पता तो चलेगा ना तुझे भी चीज क्या है। और तू हमें सिखाता है कि मत करो मत करो, और तू भी छोड़ देना हम भी छोड़ देंगे, वो फंक्शन करते हैं। वो कहता मैंने भी सोचा यार दवाई लेने में क्या हर्ज है, वो पता भी चल जाएगा चीज क्या है। वो कहता मैंने कहा चले यार, कहता मैंने एक लाइन लगा ली, थोड़ी सी अजीब सी लगी, फिर उन्होंने कहा कोई नहीं दूसरी खींच, अब सेट हो जाएगा। तो कहता मैंने दूसरी लगा ली। और फिर क्या था, कहता नया नया शरीर था, उनसे भी ज्यादा जोश आ गया मुझे तो। वो कहता वो मेरे पीछे पीछे, और उस टाइम पे वो गाना बड़ा मशहूर था धूम मचा ले धूम मचा ले। वो कहता मैं तो धूम मचाता हूँ आगे आगे,
वो पीछे पीछे वो कहता हो कहें भी यार ये तो हो गया मस्त है। वो कहता अगले दिन ठीक चला, पहुंच गए, रात को सोए कहीं। वो कहता सुबह अगले दिन फिर चल पड़े, कहता दोपहर को मैंने खुद ही कहा, मैं कहा यार वो दवाई तो दे दो। वो कहता मैंने सोचा दवाई तो है ना, पेन हुई तो मैंने कहा दवाई दे दो, तो अगले दिन फिर मैंने दवाई ले ली। तो 6-7 दिन का टूर था, मैंने सोचा चल एक एक आज आज पी लेते हैं, कल घर जाके छोड़ दूंगा, ऐसा कौन सा मर जाना मैंने इसको पी के, जब ये जिंदा तो मैं भी जिंदा रहूंगा, तो इतनी बड़ा तो कोई इशू नहीं, छोड़ दूंगा मैं, मैंने कौन सा सदा पीना। तो मैंने यही सोच सोच के चल आज पी लेता हूँ, चल आज पी लेता हूँ। टूर खत्म हुआ, मैं वापस आया, उन्होंने थोड़ा सा सामान मुझे दे दिया। तो मैंने सोचा ये फिनिश हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा। वो कहता है जी फिर मेरा वो खत्म हुआ, पेन होनी शुरू होगी, तकलीफ होनी शुरू होगी, तो मुझे लगा बुखार है, तो फिर मैंने उनको फोन किया यार बुखार होगा, कहते बुखार नहीं है ये तो तोड़ है। वो कहता मैं कहा यार पंगा ले लिया मैंने तो। वो फिर मैंने सोचा चल यार थोड़ा सा मैं और पी लेता हूँ, ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे या मतलब जो भी कोर्स कूर्स है टेंशन है ये खत्म हो जाएगी, फिर मैं छोड़ दूंगा घर बैठ के। और कहता फिर दिमाग में आया ये 10,000 रुपये पड़े हैं बस ये इसका पीऊँगा फिर छोड़ दूंगा। फिर दिमाग में आया यार ये लोहड़ी निकल जाने दे फिर पीऊँगा, फिर आया 26 जनवरी जाने दे, फिर आया दिवाली निकल जाए दिवाली पे छोड़ दूंगा, फिर सोचा नए साल पे छोड़ दूंगा। वो कहता सर जी आज आज करते करते 3 साल बीत गए, आज जाके होश आई कि कहाँ पहुँच गया। वो एक दिन से शुरू हुआ और एक एक दिन करके कहता 3 साल बीत गए होश ही नहीं आने दिया इसने, बस यही सोचता हूँ रोज आज पीऊँगा कल से ख़त्म, आज पीऊँगा कल से ख़त्म, बस ये छोटे छोटे टारगेट बना के 3 साल पैसे बहुत वेस्ट किए, लाइफ आउट ऑफ ट्रैक हो गई, इज्जत चली गई, लेकिन एक एक दिन कभी खत्म नहीं हुआ। पॉइंट समझ आया? यूज तो हम भी वही कर रहे हैं ना, हम उल्टा कर रहे हैं। तो एक एक दिन करके किसी के 2 साल बीत गए, किसी के 4 बीत गए, किसी के 5 बीत गए। सो टेक्निक तो काम करती है और आप यूज करते हो, अब हमने सिर्फ इसको क्या करना है, इस टेक्निक को उल्ट कर देना है। हमने क्या कहना है कि आज के दिन नहीं करेंगे, कल के दिन की कल को देखेंगे। ये टेक्निक का और जादू क्या है? आपने कभी धुंध में गाड़ी चलाई है? जब फॉग होती है बहुत ज्यादा, जब हम फॉग में गाड़ी चलाते हैं सर्दियों में, देखिए कुछ दिखाई नहीं देता आगे, आपको दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, कितना दिख रहा होता है आपको बस, है ना 5-7 फीट लगा लो ज्यादा से ज्यादा, इतना दिख रहा होता है। अगर कोई कहे कि मुझे जब तक पूरी रोड नहीं दिखाई देगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, उन दिनों में तो काम नहीं चलेगा। तो आपको गाड़ी भी चलानी है, पहुंचना भी है, तो फिर आप क्या करते हो? वो 5-7 फीट जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ते हो, 5-7 फीट का जो विजिबिलिटी है वो भी आगे आगे बढ़ती रहती है, और उसी के सहारे आप हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हो। सिमिलर है, देखो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा कि साल बाद क्या होगा, हफ्ते बाद मेरे साथ क्या होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा 6 महीने बाद मेरे साथ क्या होगा, मेरा शरीर कैसा होगा, फैमिली साथ देगी कि नहीं देगी, आज मेरा मूड अच्छा है, कल का मुझे नहीं पता, 10 दिन पहले का नहीं मुझे पता क्या होने वाला है, लेकिन आज का तो थोड़ा अंदाजा है ना। मुझे भविष्य का नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत आज का तो मेरे पास एस्टिमेट है ना कि आज के दिन मैं नशा नहीं करूंगा। सो इस चीज को रोज की रोज सुबह उठ के हमने क्या करना है, अरदास करनी है, ऐ परमात्मा मुझे शक्ति दे कि आज के दिन मैं नशे से दूर रह सकूं। और जब आपकी रात बीतती है, रात पूरा दिन बीत गया रात आई, तो आप रिक्वेस्ट करते हो भगवान को, प्रार्थना करते हो आपने मेरी सहायता की नशे से दूर रहने में। और जैसे एक एक दिन बीतता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब देखते हैं आगे एक चीज ना, और मैंने ना कई साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें भी बहुत अच्छा एक फिलॉसफी पढ़ी मैंने, जिंदगी जीने के तरीका है ये। एक आर्टिकल था बहुत अच्छे फिलॉसफर का, तो वो बताते हैं कि मैं एक बार ना कहते माता के दर्शन करने गया है, मंदिर था जिसकी सीढ़ियां बहुत ज्यादा थी। शुरू शुरू में तो आदमी शौक शौक से चढ़ जाता है, पौड़ी पौड़ी करता जा, जय माता दी करता जा, और शुरू शुरू में तो कहता सबके जब चेहरे होते खुशी खुशी छाई होती है और बंदा जाता है तेज तेज जा रहा होता, आदमी बड़ा पेटा गाता। वो कहता हालत खराब कहाँ होती है, कहता जब सेंटर में पहुंच जाता आदमी, और जब आदमी सेंटर के लगभग आसपास पहुंच जाता है तो फिर समझ आने लगते यार पंगा ले लिया। वो कहता जो चेहरे नीचे बड़े
उत्सुक थे, बड़े खुश थे, वो सेंटर में जाते जाते थक जाते हैं, थकावट चेहरे पे दिखने लग जाती है और थोड़ा सा दिखने लग जाता है कि यार बंदा कभी आगे देखता है कभी पीछे देखता है, यार अब ना पीछे जाने जोगा। आदमी कहता है पीछे जाएंगे तो उतना ही है जितना ऊपर चढ़ने में लगा और आगे भी उतना ही लगता है। तो कहता मैं ऐसे ही देख रहा था, खड़ा था थोड़ा सीढ़ी के साथ लग के, थोड़ा आराम सोचा कि टांगों को आराम दूं। कहता और सबके चेहरे ऑब्जर्व कर रहा था, सबके चेहरे पर थकावट दिख रही थी, सब आगे पीछे देख रहे थे, कोई आगे कोई पीछे। कहता वहां पर सिर्फ एक चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया मुझे इतने चेहरों में, वो एक बच्चे का चेहरा था जो नया नया चलना सीखा है। कहता मैं उसको काफी देर तक ऑब्जर्व करता रहा नीचे से ऊपर तक। वो बच्चा क्या करता था, वो फटाफट एक सीढ़ी चढ़ता था, आगे पीछे देखता था और बहुत खुश होता था, मुस्कुराता था, खिलखिला के हंसता था। और फिर क्या करता था, फिर एक सीढ़ी चढ़ जाता था, फिर इधर देखता था, फिर हंसता था। और ऐसे करते करते वो 8-10 सीढ़ियां चढ़ जाता था और पीछे देख देख के सबको, फिर बड़ा मुस्कुराता था। उस बच्चे से मैंने जिंदगी का सबक सीखा। क्या सबक सीखा? कहता बड़ों में और बच्चे में अंतर पता क्या? कहता बचपन में हमें सबको ये कला आती थी, बड़े होके हम भूल गए। अब बच्चे की कला क्या थी? कहता वो ना अगली 1000 सीढ़ियां देखता ना पिछली 1000 सीढ़ियां देखता है। वो क्या करता है, सिर्फ जो एक सीढ़ी उसके सामने है बस उसको देखता है, उसको चढ़ जाता और खुश हो जाता है। वो बस उसको एक सीढ़ी मिली, उसको टारगेट लिया, उसको चढ़ गया और एंजॉय किया, मजा किया और खिलखिला के हंसा, और उसी हंसी से उसको ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है अगली सीढ़ी चढ़ने की। और कहता है ऐसे ऐसे वो चलता रहा, ना आगे देखता ना पीछे देखता। लेकिन कहता जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी समस्या ये है कि हम 10 साल आगे की प्लानिंग करते हैं या 10 साल पीछे की, हम प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। सो फंडा समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो ना अगली सीढ़ी देखनी है ना पिछली सीढ़ी देखनी है, आपने देखना है कि आज का दिन। सो आज के दिन को कैसे बिताना है? मजे से बिताना है, खुशी से बिताना है, और कोशिश करनी है कि आज के दिन मैं किसी को दुख ना दूं और नशे से दूर रहूं, जो मेरा टारगेट है। और जब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो शाम को खुशी मनानी, खुशी होनी चाहिए मन में कि हाँ यार मजा। देखो एक आम आदमी के लिए जो नशा नहीं करता एक दिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो नशा छोड़ रहा है उसके लिए क्या होता है, एक दिन उसके लिए बड़ी मीनिंगफुल चीज है। सो जब भी एक दिन बीते आपने अपने आप को सेलिब्रेट करना है, खुशी महसूस करनी है, इसी खुशी से आपको अगले टारगेट की ताकत मिलेगी। आपने कभी देखा है, कभी मैच देखा है, फुटबॉल मैच कभी देखा होगा? तो गोल चल रहा है, स्कोर क्या है, एक टीम के 4 है, एक का 0 है। जिस टीम का 0 है आप देखिए वो मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं और एक गोल कर देते हैं। जब एक गोल हो जाता है तो वो खिलाड़ी है वो वापस कैसे आता है? वो ऐसे आ रहा होता है यार 3 और करने हैं, ऐसे तो नहीं आ रहा होता। वो ऐसे ऐसे करता आ रहा होता है, झूम रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नाच रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे कितने पड़े हैं, पीछे कितने पड़े हैं, टाइम कितना रह गया। वो एक गोल करते हैं और वैसे ही नाचते हैं जैसे वो लास्ट है चाहे पहला है, वो हर गोल के साथ ऐसे झूमते हैं। ऐसे ही जैसे आपने एक गोल किया, एक दिन बिताया, ऐसी खुशी होनी चाहिए, ऐसा एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि जो खिलाड़ी एक गोल करने के बाद नाच रहा है उसी के अंदर शौक पैदा होगा, ताकत पैदा होगी अगला गोल करने की, उसी से तो उत्साह बढ़ेगा ना उसका, उसी से मोटिवेशन मिलेगी अगले गोल की, उसी से पावर मिलेगी। सो जैसे ही एक दिन बीते अपने आप को क्या करना है, खुशी बनानी है। और एक चीज याद रखिए, तो जब आप नशा छोड़ रहे हो सबसे मुश्किल टाइम कौन सा होता है? पहले तीन दिन 72 घंटे सबसे मुश्किल है। और वो पेन कैसे है, शुरू शुरू में जैसे वक्त बीतेगा आपकी पेन ऐसे बढ़ेगी, सेकंड डे पीक पे चली जाएगी, बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरे दिन के बाद वो जो तकलीफ है धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है और तीसरे चौथे दिन वो गायब हो जाएगी, ठीक है ना। सो ऐसे बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। सबसे मुश्किल दिन होते हैं पहले 3 दिन, अगर वो दिन काट लिए तो जो अगले 3 दिन है उसमें वो तकलीफ नहीं जो पहले 3 दिन थी, जो पहले 3 दिन है वो अगले 30 दिन नहीं, क्लियर है ना। और जो पहले 30 दिन काट गया तो उससे जो अगले 30 दिन है उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, और जिसने 3 महीने काट लिए
वो एक साल भी काट सकता है, जो एक साल काट गया वो 10 साल भी काट सकता है, और जो 10 साल काट गया वो पूरी जिंदगी भी काट सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है? सो फंडा यही है कि आपने अपने माइंड को ये कहना है कि यार ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, और ये जो पेन है वो सदा रहने वाली नहीं है और ये कम होने वाली है। और टाइम बीतता जाएगा, आपको भी अच्छा फील होने लगेगा, आपकी फैमिली भी आप पे भरोसा करनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा हर चीज अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। कुछ समस्याएं हैं, देखो दो तरह के विदड्रॉल्स होते हैं, एक होते हैं एक्यूट विदड्रॉल्स, एक होते हैं क्रॉनिक विदड्रॉल्स। एक्यूट विदड्रॉल्स किसे बोलते हैं, जिसको आपको पता चलता है, पेन होती है ना, आंखों से पानी आ रहा है, दस्त लग रहे हैं, टांगे दुख रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये एक्यूट है, जो लगभग मैक्सिमम लगा लो हफ्ता, वैसे 3 दिन हफ्ता लगा लो। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जैसे नींद की, बॉडी टेम्परेचर की, हल्की हल्की थकावट रहना, ये समस्याएं 3 महीने तक भी चल सकती है। सेक्स कमजोरी है, ये लगभग 3 महीने तक चल सकती है, ठीक है, अगर आप दवाई नहीं लेते। हाँ, अगर मेडिसिन ले रहे हो तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, आराम से आप बड़ी जल्दी रिकवरी कर सकते हो। क्लियर हो रही है ये बातें? इस टेक्निक में हम नशे को टालना सीख रहे हैं, पोस्टपोन करना सीख रहे हैं। अगर आप हमारी सलाह से यहाँ से छुट्टी लेके जा रहे हो ना, तो इस चीज़ की गारंटी है जब आप यहाँ से जाओगे आपको कोई तरह किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, अगर हमारी सलाह से चलोगे। अगर आपने मन मर्जियाँ करनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह से जा रहे हो तो आपको जब यहाँ से जाओगे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आपको तकलीफ तो कोई नहीं हो रही, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप दोबारा नशे पर जब भी लगोगे ना, उसका एक कारण होता है, पहला पैग का लालच, पहला पैग, पहला कश, पहला सूटा, पहला इंजेक्शन, यही होता है ना, बस आज आज एक बार सिर्फ एक पैग, ये लालच आपको दोबारा घेरेगा, है ना। अब इतने दिन छोड़ा है, चलो एक पैग पीने में क्या हर्ज है, एक सुट्टा लगाने में क्या हर्ज है, एक इंजेक्शन में क्या हर्ज है, एक लाइन लगा लेता हूं। सो जो पहला एक का लालच है ना, ये आपको डुबोएगा। अगर आप पहले के लालच को छोड़ना सीख लो कि पहला पैग है ना, इसको मैंने पोस्टपोन कर देना है, आज नहीं कल, आपका मन कर रहा है चले यार एक पैग पी ले, आप कह रहे हो आज नहीं कल, अगर आप इसको टालना सीख लो बात ही बन जाए। देखो एक चीज, एक एग्जांपल बड़ी मशहूर है इस केस में, जब कोई आदमी ट्रेन के नीचे आता है ना, तो मर तो वो तभी जाता है जब उसके ऊपर से पहला टायर निकल गया, बाकी ट्रेन का तो नाम लग जाता है। आपको जब भी गिरेगा आपका पहला पेग, पहला सुट्टा, पहला इंजेक्शन, पहला कश, ये लालच आपको दोबारा गिरेगा। सो अगर आपने पहले से बचने का तरीका खोज लिया तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। आपने जो मन में कहा था ना एक पेग लगाना है, बस अगर आप इस लालच को डील करना सीख गए, इसको पोस्टपोन करना सीख गए, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो अभिमन्यु की कहानी सुनिए ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। जब आप यहां से जाओगे आपको नशे से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब उसके अंदर जाना या ना जाना आपकी मर्जी, आपको आता है अंदर जाना, हर आदमी कर सकता है, लेकिन बाहर आना आपको नहीं आता, फिर आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है दोबारा। सो समझ आ रही है मेरी बात? सो जो एक का लालच अगर आपने टालना सीख लिया, आपने इसको पोस्टपोन करना सीख लिया कि यार कल को देखेंगे, आज नहीं पीनी कल को देखेंगे, तो आपका जो टाइम बीतता जाएगा और धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती जाएगी। एक चीज याद रखना, नशे को छोड़ना मुश्किल नहीं है, नशे को छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप छोड़ ही चुके हो, आपने कई बार छोड़ा भी होगा, कुछ कुछ थोड़े दिन कामयाब भी रहते हैं, कभी 3 महीने कामयाब हुए, कभी 6। छोड़ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। असली गेम तो ना नशे को छोड़ कर रखना मुश्किल है, रिकवरी इज रियल गेम। नशे को छोड़ना तो आपने छोड़ ही दिया, अब अंदर आए हो तो छूट ही गया, असली गेम तो इसको लंबे वक्त तक छोड़ कर रखना, सो दैट इज रिकवरी, और उसका जो मेन टूल है जस्ट फॉर टुडे। क्लियर हो रही है बात? तो आप इसको टालना सीखते हो। अब देखो ये चीज क्या होती है, देखो हर आदमी की ना एक सीमा होती है। मेरे पास एक ऐसा मरीज आया अल्कोहलिक, वो बार बार इलाज हुआ, फिर प्रॉब्लम आ जाती थी, फिर आ जाती थी, तो मैंने ऐसे ही सिखाया हुआ था उसको जस्ट फॉर टुडे, और AA में भी वो बात सीखी उसने। तो हुआ क्या, वो कहता सर जब मैंने ये टेक्निक सुनी ना कि
एक दिन नशा नहीं करना। कहता शुरू में तो मुझे एक दिन भी बड़ा लंबा लगता था, मुझे लगता था एक दिन कब बीतेगा। कहता मुझे तो लगता था एक दिन में मेरी जान ही निकल जाने। शुरुआत ऐसे होती है ना, बंदे को बड़ा मुश्किल लगता है। तो कहता मैंने क्या शुरू किया, तो शुरुआत कैसे हुई। कहता मेरे लिए तो एक दिन मुश्किल था, तो कहता मैंने घंटों में बांट लिया, दिन को भी टुकड़े कर दिए मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने आप से कहा कि यार पहले तू नहा ले धो ले, 10 बजने दे, पूजा पाठ कर ले, फिर मन करेगा तो फिर पी लेना। कहता 10 बजे का पहला टारगेट ये था, खाना खुना खा के फिर सोचूंगा पीनी है कि नहीं पीनी। कहता जैसे मैं 6 बजे उठा, 10 बजे मैंने आराम से सैर सूर की, नहाया धोया, जो भी पूजा पाठ की, 10 बज गए, रोटी रोटी खाई, परौंठे परौंठे खा के फ्री हुआ। फिर मैंने सोचा, कहना यार कमाल कर दी वैसे आज तूने 10 बजा दिए, नहीं तो 6 बजे शुरू हो जाता था। कहता मैं, कहता 10 बज गए तो मैंने अपने आप को शाबाशी दी। कहता यार आज तो तूने 10 बजा दिए। कहता यार थोड़ा सा और चेक करते हैं अपने आप को। कहता मैंने अपने आप को कहा कोई नहीं यार 1 बजे तक वेट करते हैं, दोपहर का खाना खा के मन किया तो पी लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कहता धीरे, बड़ा मुश्किल था, टीवी टूवी देखता रहा इधर उधर करके, अपना मन बहलाया और कर करके 1 बज गया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने फिर अपने आप को हल्ला शेरी दी। कहता यार कमाल है तू तो कर गया बस। कहता आधा से ज्यादा दिन बीत गया तेरा, 1 बज गया, 12 बजे तक आधा दिन हो जाता है, आधे से ज्यादा हो गया। तो कहना मैंने आपको अपने आप को कहा, कहता यार पी लेंगे कोई नहीं चाय के बाद, 4 बजे तक वेट करता हूँ मैं अपने आप पे कंट्रोल करके, देखता हूँ कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। कहता यकीन मानिए सर, कहता 4 बजे तक मैंने बिताया, चाय पी। कहता शाम हो गया ना, कहता पीऊंगा जरूर, रात के बाद देखूंगा, खाना खाने के बाद फिर देखूंगा। और क्या हुआ सर, कहता रात हुई, खाना खाया, मैंने भगवान का शुक्र किया। कहता थैंक यू, आज का दिन तूने मुझे हिम्मत दी कि मैंने वो जंग जीत ली, मैंने नशे को बेवकूफ बना दिया। और कहता ऐसे ऐसे करके मेरा 1 हफ्ता बीता सर। बड़ा मुश्किल था, बार बार थॉट आते थे, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अगर मैं 1 हफ्ता काट सकता हूं तो मैं 1 महीना भी बना लूंगा। कहता फिर वो आपका डायलॉग था ना, 1 हफ्ता काट सकता वो 1 महीना भी कर सकता, 1 महीना कर सकता। धीरे धीरे कहता 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ते से मैंने कहा 1 महीना तो कर ही लेना कंप्लीट, 1-1 करके। कहता जब 1 महीना हुआ, अगर 1 महीना में काट गया तो मैं अगला भी कर ही लूंगा। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। कहता जी 1.5 साल मैंने हाथ नहीं लगाया। कहता 1.5 साल के बाद एक घटना ऐसी हुई, कहता उस दिन मेरा दिमाग डोल गया। हुआ क्या, कहता मैं दिल्ली गया हुआ था, और दिल्ली गया हुआ था, कहता वहां पे जाके मेरे पास पैसे भी थे, घर वाले भी कोई नहीं थे, दिमाग की चक्की घूम गई। दिमाग तो अल्कोहलिक वाला ही है ना, जब कोई देखने वाला नहीं, पैसे भी हैं, तो दिमाग ने कहा कि यार पहले भी तू यहां पीता ही था, जब आता था हर बार पीता था, तो कहता यार आज भी लगा ही ले। कहता पर मैंने कहा कि कोई नहीं यार, 1.5 साल की रिकवरी ऐसे 1 दिन में वेस्ट नहीं कर सकता। कहता मैंने अपने आप को कहा कोई नहीं पिएंगे, बैठ जा बस में, अम्बाले वो आता है ना ठेका, वहाँ बस रुकती है, वहाँ देखूंगा, वहाँ से खरीदूंगा। कहता अम्बाला करनाल ऐसे टारगेट देता रहा, करनाल आता कि पहले कुरुक्षेत्र। कहता ऐसे ऐसे टारगेट देता रहा, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला। और कहता जैसे अम्बाला आया, अम्बाला गुजरा, मैंने अपने आप को शाबाशी दी यार तू कर गया। कहता फिर मैंने कहा जलंधर। कहता जैसे जलंधर से बैठा मैं, मैंने साथ के साथ अपने दोस्त को फोन किया, यार आज विकेट गिरने वाली है मेरी। वो कहते जैसे मैं कपूरथला पहुंचा, कहता उसने साथ के साथ आगे बस स्टैंड पे खड़ा था, शाबाशी दी, कहते चले यार आज पार्टी करते हैं, आइसक्रीम उसक्रीम खाई, अच्छे से एंजॉय किया। कहता बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने आज भी धोखा दे दिया अपने मन को। पॉइंट समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो जब भी देखो, जब भी दिमाग में ऐसे थॉट आए तो अपने आप को टालना सीखो, नशे को पोस्टपोन करना सीखो अपनी। कहते हैं ना सियाने, कोई अच्छा थॉट आए तो उसको तुरंत कर दो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मन बदल जाता है। और जब कोई माड़ा थॉट आए तो अपने आप को वक्त दो, कोई नहीं कर लेंगे, थोड़ा टाइम दो। सो ऐसे ही ये टेक्निक काम करती है। देखो हम हारना कैसे सीखे थे, ये जो मोटिवेशन, अपने आप पे विश्वास खत्म कैसे हुआ था, इसके खत्म होने के पीछे भी तो यही राज था। हमने अपने आप से वादा किया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा, प्रॉमिस किया, लेकिन अगले दिन वो प्रॉमिस टूट गया। कितनी बार हुआ ऐसे, होता ना। हमने संकल्प लिया कि मैं नशा नहीं करूंगा, और ऐसा नहीं था कि हम बेईमान थे,
अपने आप से तो हमने सचमुच में ही प्रॉमिस किया था ना, लेकिन होता क्या, जैसे वक्त बीतता है वो प्रॉमिस ढीला पड़ जाता है और फिर हम नशा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने आप से ही हारते गए और बार बार हारते गए और इतना हारे कि एक दिन विश्वास खत्म हो गया। हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बैठ गया कि मैं जीत नहीं सकता। वो हाथी के बच्चे वाली बात सुनिए ना, वो पूछता है, कहता है यार ये छोटी सी रस्सी से कैसे बांधा हुआ है इतने बड़े हाथी को। वो कहता है कोई चमत्कार नहीं, जब मैं इसको लाया था बचपन में छोटा सा था और इसको इसी रस्सी से बांधता था, ये कोशिश करता था छूटने की लेकिन ये छूट नहीं पाता था क्योंकि छोटा था। धीरे धीरे इसने कोशिश करनी ही बंद कर दी, इसको लगा कि मैं छूट ही नहीं सकता तो प्रयास क्यों करने। अब ये बड़ा हो गया, इसमें जान बहुत है लेकिन अब भी ये प्रयास ही नहीं करता क्योंकि दिमाग में एक विश्वास बैठ गया कि मैं ये नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही बार बार हम हारते रहे हारते रहे हारते रहे, एक विश्वास पक्का हो गया कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल है, एक गलत बिलीफ मन में घर कर गया। अब इस बिलीफ को तोड़ेंगे कैसे, जैसे हार हार के हारने का बिलीफ पक्का हुआ है ऐसे ही जीत जीत कर जीतने का विश्वास पक्का होगा। एक एक दिन करके हारते रहे, हार का विश्वास पक्का हुआ, अब एक एक दिन जीत कर जीतने की आदत डालोगे तो जीतने का विश्वास भी पक्का हो जाएगा। अब देखो इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जब एक बच्चे को माँ बाप चलना सिखाता है कैसे सिखाते हैं, नहीं शुरुआत में देखो जब बच्चा धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है माँ इधर बैठ जाती है पापा इधर बैठ जाते हैं, ऐसे होता है ना, वो इधर मम्मी बैठी है उधर पापा पकड़ के खड़े हैं और वो ताली बजाते हैं आजा आजा आजा, है ना। वो बच्चा ऐसे ऐसे बैलेंस बना के भाग के पापा की गोदी में गिर जाता है, वो ज्यादा दूर नहीं दो ही कदम चलता है और फिर मम्मी की गोदी में गिर जाता है फिर उधर पापा बैठ जाता है, वो दो कदम चलता है और उधर गिर जाता है लेकिन उसके मन में विश्वास हो जाता है, पैदा हो जाता है कि मैं अब चल सकता हूं। वो दो दो कदम करके धीरे धीरे उसके अंदर हौसला बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं, वो पापा थोड़ा दूर होता जाता है, वो जैसे गिरने लगता है पकड़ लेते हैं, यही है ना। तो दो दो कदम चल के एक एक कदम चल के बच्चे के मन में विश्वास पैदा हो गया कि मैं बैलेंस बना सकता हूं और उसको पता है कि मुझे संभालने वाले मेरे आगे पीछे हैं। ऐसे ही जब आप एक एक दिन करके आगे बढ़ते हो धीरे धीरे आपके मन में विश्वास पैदा होना शुरू हो जाता है, यार एक दिन बीत गया अब दूसरा बीत जाएगा तीसरा बीत जाएगा और मुश्किल टाइम बीत गया तो आसान, ऐसे धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। पॉइंट समझ आ रही है। सो और एक बात देखिए, आप पहले दिन कुश्ती सीखने गए हो तो आपको जो उस्ताद है जो समझदार उस्ताद है आपको पहले ही दिन नेशनल चैंपियन से लड़ने को नहीं बोलेगा, वो पहले आपको क्या कहेगा, वो आपको आप जैसा होगा ना अनाड़िया जो आप जैसा या आपको कहेगा इससे कर, वो धीरे धीरे आप उससे घुलोगे, थोड़ा हौसला होता है थोड़ा बचाओगे थोड़ा जोर लगाओगे बराबर करोगे मन में विश्वास पैदा होगा, धीरे 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 आपको थोड़ा तगड़े प्लेयर्स के कहेगा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएगा और आपको फिर बड़े प्लेयर से लड़ने को भी कहेगा। अगर पहले दिन ही आपको कह दिया कि इससे लड़, उसने एक पटक नहीं मारनी और हमारा हौसला ही टूट जाना कि यार मेरे बस की बात नहीं है। जीत को जीत जन्म देती है, हार को हार, छोटी छोटी जीत बड़ी जीत को जन्म देगी, एक एक दिन आपको हौसला देगा जीतने का। सो जब भी आपका दिन पूरा हो, मैं बार बार कह रहा हूं उसको सेलिब्रेट करें, एक हफ्ता हो जाए तो फैमिली के साथ एंजॉय करें। कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कोई जूस की बोतल ले गए एंजॉय करो कि मेरा एक हफ्ता हो गया, ठीक है ना, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, हम बच्चों के साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं एंजॉय करने आए, चाहे कोई दूसरा समझे ना समझे हमें पता है ना एक हफ्ता किया मैंने, फिर एक महीना बीतेगा। धीरे धीरे जब एक साल बीतता है, आपको शायद पता हो एनए में एक रिकवरी बर्थडे मनाया जाता है, एए में भी एनए में भी रिकवरी बर्थडे क्या होता है, वो कहते हैं आपका असली जन्मदिन पता कौन सा है, वो वाला जन्मदिन है जिस दिन आप पैदा हुए थे, असली जन्मदिन वो है जिस दिन आप नशा छोड़े एक साल हो जाएगा, असली रिकवरी बर्थडे उसको बोलते हैं, आपका एडिक्ट का असली जन्मदिन वो है जब उसके नशा छोड़ने को उसको लगभग एक साल पूरा हो जाता है। अब मैं आज के दिन आप सबको एक चैलेंज देता हूं, हिम्मत है तो इसको स्वीकार कीजिए, एक साल पूरा करके
मेरे पास आइए, बिल्कुल क्लीन। आपका रिकवरी बर्थडे पूरे सेंटर में अपने खर्चे से मैं मनाऊंगा। चैलेंज स्वीकार है? चलो, परमात्मा करे, मुझसे नहीं वादा करना, आपने अपने आप से करना है। हम, मैं वादा करता हूं आपसे। आप आइए, मुझे बताइए कि एक साल हो गया, आपका रिकवरी बर्थडे मैं अपने खर्चे से मनाऊंगा। और मुझे आपसे ज्यादा खुशी होती है जब आप ठीक होते हैं ना, जब हम देखते हैं कि यार जिंदगी बदल गया, तो हमें बहुत खुशी होती है। और कई बार लगेगा कि यार एक दिन तो बहुत छोटा होता है, पर घबराइए मत। देखो, अभी मैच चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, जीत हार का फैसला तो कई बार लास्ट स्कोर पे होता है, लास्ट गेंद पे होता है, लेकिन पहले जो स्कोर है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हर स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस तो हर स्कोर की होती है, तभी मैच इस लेवल पे पहुंचा कि लास्ट गेम पे फैसला हो सके। सो अपने अंदर ऐसे विश्वास पैदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक बात, आपका जो आज है ना, वही आपके कल को जन्म देगा। आप ना, कई बार हम देखते हैं कि यार ये जो तकलीफ है ना, बहुत ज्यादा लगती है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इस पेन को एंजॉय करना सीखो। कई बंदा कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आई, सहना सीखो, क्योंकि नो पेन नो गेन। देखो, एक ईंट है, मिट्टी की बना दी मैंने, उसको पकाया नहीं भट्टे में, आप उससे मकान बना लोगे? क्यों? क्योंकि उस पर दो बरसात हुई और उसने गया। ईंट वो तभी बनेगी जब उसको आग में तपाया जाएगा। सो छोटी मोटी अगर तकलीफ होती है ना, इसको घबराओ मत, इसको एंजॉय करना सीखो कि हाँ यार, अब मेरी जिंदगी नई शुरू हो रही है, तो ये पेन जो मैं काट रहा हूं, ये मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, आप देखिए, पहले दिन आप जिम में जाते हो, आपने डंबल चलाया, कैसी फीलिंग आती है? घर आते हैं तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल क्रैम्प हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि पेन हो रही है, चला भी नहीं जाता। हाँ, एक हफ्ता ऐसे लगता है जैसे मसल टूट रही हैं। आपने उठक बैठक लगा लो 100-150, फिर सीढ़ियां उतरना, हुआ है कभी? ऐसे लगता है टांगे किसी और की हैं, है ना? अजीब सा लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि हाँ बहुत बार हो जाता है। हाँ, बाजू ऐसे लगते हैं जैसे किसी और की हैं। सो कितनी पेन होती है? बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आदमी जिम जाना तो नहीं छोड़ देता ना, उल्टा वो मजे ले रहा होता है। जिसको मजा होता है ना, जिम का शौक है, बॉडी बनानी है, वो पेन बहुत हो रही है, पेन तो बहुत हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको एंजॉय कर रहा है। वो बार बार शीशे के सामने जा जाके देखता है कि यार मेरी बॉडी बनने वाली है, मजा आ रहा है, पेन है, लेकिन पेन को वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये जो पेन टेम्परेरी है, और जो प्राउड मिलने वाला है, जो बॉडी मेरी बनने वाली है, दैट इज फॉर एवर। जो प्राउड मिलेगा, जो आपको प्रशंसा मिलने वाली है, जो मजा मिलने वाला, वो पूरी जिंदगी चलेगा, पेन तो हफ्ता चलेगी बस। पॉइंट समझ आ रहा है? जब भी पेन हो तो इसको एंजॉय करना सीखें। और मैंने एक और एग्जाम्पल दी थी कि माँ को कितनी पेन होती है, लेकिन वो एंजॉय करती है उस पेन को, क्योंकि उसको पता है कि ये जो पेन है एक नई जिंदगी को लेके आएगी। तो आप जो पेन सह रहे हो, वो किसी और के लिए थोड़ी ना सह रहे हो, वैसे तो आती नहीं, पर अगर बाय चांस थोड़ी बहुत आती भी है, तो उसको ऐसे लेना सीखो कि यार मैं अपने आप को ही जन्म दे रहा हूं। और रियलिटी तो यही है ना, ये आपका नया जीवन ही होगा। जब आप नशा छोड़ोगे, आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। सो आज जो भी प्रॉब्लम है, इसको तकलीफ की तरह मत देखो, इसको ऐसे देखो। मुझे ना, मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे शिवचरण पटियाला में, उन्होंने मुझे एक बचपन में एक मंत्र सिखाया था, वो मेरे जिंदगी का असूल बन गया और मेरे आज तक काम आता है। मैं आपसे शेयर करूंगा, शायद आपकी हेल्प हो सके। पढ़ाई में किसका मन होता है? मेरा भी नहीं होता था, और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं था। एक दिन वो टीचर थे हमारे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते इत्थे आ। मारते बहुत थे, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया पास, कहते बैठ यहां पे, बैठ गया। कहते पढ़ने को मन नहीं करता तेरा? मैंने ईमानदारी से बोल दिया कि नहीं सर। कहते क्यों? खेलने को मन करता है, दिल करता खेलें, और क्या, और इंग्लिश तो वैसे भी बोरिंग लगती है, क्योंकि आता नहीं जो चीज, उसमें मजा नहीं आता ना पढ़ने में।
तो कहते मुझे उन्होंने एक सवाल पूछा, कहते जैन मुनि देखे कभी? जैन मुनि, मैंने सोच के जवाब दिया हाँ। जैन मुनि आपको पता है कौन से होते हैं? वो मुंह पे पट्टी बांधते हैं, जैन गुरु होते हैं, वो सफेद कपड़े पहनते हैं, बिना चप्पल के चलते हैं, और कहता वो सिर से गंजे होते, कभी भी देख लेना। मैं कहा हाँ होते। तो कहता तुझे पता है वो गंजे कैसे होते? मैं कहा जी बाल झड़ जाते होंगे। कहता नहीं झड़ते नहीं है, ना वो बाल काटते हैं। मैं कहा फिर क्या करते हैं? कहता बाल को नोचते हैं। जब कोई सन्यासी सन्यास लेता है तो वो क्या करते हैं, बाल एक एक बाल करके ना ऐसे पकड़ पकड़ के उखाड़ते हैं चिमटी से। रियलिटी। कहता अब तेरा बाल उखाड़ो कितनी पेन होती है? मैंने कहा बहुत पेन होती है। कहता सोचो उसको भी पेन होती है, लेकिन वो एक मंत्र बोलते हैं जब पेन होती है और बाल उखाड़ देते हैं। देखा क्या मंत्र बोलते हैं? कहता वो एक एक बाल उखाड़ते हैं और बोलते हैं अब दुख फिर सुख, अब दुख फिर सुख, जो ये दुख है ये मेरे सुख का कारण बनेगा। वो ऐसे कर करके वो उखाड़ते हैं। कहता अब तेरी मर्जी है। कहता अब तू 10th में है ना, या तो 2-4 साल मन लगा के पढ़ ले, ये जो दुख तो काटेगा ना, पूरी जिंदगी तुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सल्यूट मिलेंगे। और कहता या फिर तो अब सुख काट ले। इस मंत्र का उल्टा क्या होता, अब सुख फिर दुख। कहता अब तू खेल मजे कर, लेकिन पूरी जिंदगी लोगों के गाड़ियों पे कपड़े मारना फिर, क्योंकि तेरा बाप लैंडलॉर्ड तो है नहीं कोई, भाई फैक्ट्रियां चल रही हैं और तू एंजॉय कर, अब कमाएगा तो खाएगा। तो वो बात मेरे दिमाग में घुस गई, अब दुख फिर सुख, ये 2 साल मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी खाऊंगा। तो वो मंत्र मैंने जब भी मन भटकना, मैंने एक बात कहनी, अब दुख फिर सुख, यही मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं। जब भी मन करे नशा करने को, अब सुख फिर दुख। आज का ही सुख है ना, फिर तो गालियां ही पड़नी है आसपास से, और अगर ये दुख काट गए तो फिर सुख ही सुख है। सो जब भी पेन हो एक बात याद रखना, अब दुख फिर सुख। सो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। चले आगे। देखो कभी आपने किसी पंछी को देखा जब उड़ना सीखता है, कैसे होता है वो बेचारा? थोड़ा थोड़ा वो माँ उसको शुरू शुरू में तो घोंसले से धक्का दे रही होती है, अभी चल चल चल, और वो पकड़ लेता उसको। माँ उसको धक्के दे रही होती है, वो उसको पकड़ लेता है घोंसले को, वो कहता मैंने जाना ही नहीं, उसको डर लगता है, लेकिन माँ हटती नहीं, उसको धक्का देते है, वो गिर जाता है, फिर फुदकता है फुदकता है, धीरे 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 उड़ता है। शुरुआत में कोई भी काम मुश्किल होता है। आज आपको जो चीज मुश्किल लग रही है सबको ही मुश्किल लगती है। अब जिनको 14 साल हो गए, कभी उन पर भी यही दिन थे, उनको भी ये मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है वो हर चीज आसान हो जाती है। आज आपको लग रहा है कि नशा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब वक्त बीतता है सब आसान हो जाता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे 1 साल होगा ना, आप 1 साल नशा छोड़ के देखो, आपको हंसी आया करेगी अपने आप पे। बहुत सारे क्लाइंट मैंने देखे हैं जब नशा छोड़े वक्त हो जाता है ना, साल हो जाता है, वो खुद अपनी मूर्खता पे हंसते हैं। सर जब मैं सेंटर में आया ना, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आते थे, मैं कहता था मैं भाग जाऊं ये करूं, वो सब बातें बताते हैं, मेरा सिगरेट पीने को मन करता था, मैं ये लगा लेता था, खुद बताते हैं और खुद हंसते हैं, मैं कितना बड़ा स्टूपिड था। और जब मुझे कहा जाता था तेरे दिन लगेंगे, मुझे खींच आती थी, लेकिन आज समझे, आप खुद याद करो स्कूल में जब हम पढ़ते थे गुस्सा आता था ना, लेकिन आज इज्जत की रोटी वहीं से तो खा रहे हैं ना। अगर उन दिनों को मार खाई सही, उस्तादों के चित्र खाए, तो आज जिंदगी में सल्यूट भी उन्हीं के चप्पलों से आया है ना। अगर हम भाग जाते वो 2-4 थप्पड़ खा गए तो क्या करते, पूरी जिंदगी धक्के खाने थे। और जो स्कूल से भाग गए उनको पता होगा अब क्या हो रहा है। और यही जिंदगी है ना, आप अब सहलोगे तो जिंदगी बन जाएगी। सो चॉइस आपकी है, लेकिन शुरुआत में हर काम मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे हर काम आसान हो जाता है। सो वक्त बीतेगा तो आसान हो जाएगा। लास्ट में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, अब सेंटर में आया ना तो इसको समझना जरूरी है। ये कुछ अभी आए हुए नॉन सीरियस है, मैं उनको भी ये कहानी सुनानी चाहता हूं। एक ना राजा था, उसने
मंत्रियों को पकड़ा, क्या कहा, एक एक बोरा दे दिया उनको, बोरी दे दी और उनको बाग में छोड़ दिया, शाही बाग में। बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा था राजा का बाग, वहां छोड़ दिया उनको। 5-7-10 घंटे का वक्त दिया, कहता इस झोली में भर लो, इसको भर के लाओ अच्छी अच्छी चीजों से। तो वो तीनों गए, वो तीनों चले गए। पहले ने सोचा, कहता राजा सनकी है, इसने कौन सा बोरी खोल के देखनी है। उसने चलाकी की, उसने क्या किया, नीचे फूस घास फूस पत्ते गले सड़े फल जो नीचे गिरे होते हैं सब डाल लिए, ऊपर थोड़े अच्छे अच्छे फल डाल दिए। वो कहता राजा सनके है, उसको क्या पता चलना। उसने टाइम बचाया और बैठ गया छांव में। दूसरा था और से आना था, उसने कहा यार इतनी मेहनत क्यों करने, कंकर पत्थर जो था सब फूस फास सब गेरा बीच में, ऊपर ऊपर 4-5 थोड़े बहुत फल लगाए और कर लिया। राजा ने कौन सा देखना होता, पागल आदमी है। अब जो तीसरा था उसने कहा कि यार देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं काम अपना दिल लगाकर ही करूंगा। उसने अच्छी अच्छी चीजें, मेवे ड्राई फ्रूट जो जो अच्छा अच्छा था शाही बाग से, उसने सब अच्छा अच्छा चुन चुन के भर लिया। अब राजा के दरबार में गए 6-7 घंटे बाद, तो राजा ने किसी की भी टोकरी खोल के देखी नहीं। वो बड़े खुश हुए, कहते हमें पता था इसने खोलना खुलना कुछ नहीं है, ऐवें ही आए बस। अब राजा ने अपने सिपाहियों को कहा इन तीनों को ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जहां पर ना कोई आता ना जाता ना ये वापस आ सके, वहां पर इनको 2 महीने रहने हैं, जो बचेगा उसको मैं ये इनाम दूंगा। अब सोचो अब जो जो जिसने इकट्ठा किया था वो किसके काम आया। अब जिसने गले सड़े फ्रूट इकट्ठे किए थे 2 महीने के लिए, अब उसके पास क्या था, अब वही उसके पल्ले पड़े। तो उसने वही सड़ा गला और नाले गालियां देता अपने आप को, किस्मत को भी यार क्या पंगा लिया मैंने। और जिसने पत्थर इकट्ठे किए थे, अब जो तीसरा था जिसने अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी की थी, अब उसको देखो वो मजे में है, वो वहां पे भी मजे पे है और जो वापिस आएगा तो भी मजे में। अब ये कहानी क्यों सुनाई, हम सबको भगवान ने भेजा हुआ है ये इकट्ठा करने, ये दुनिया उसका बाग है। अब आपने क्या इकट्ठा किया है ये आप सोच लो, किसी को बताना नहीं है, सोच लो जो इकट्ठा किया वही हमारे काम आने वाला है। और जिन्होंने गलत इकट्ठा किया है आज सिचुएशन, और ये सेंटर में भी समझ लो ये बाग ही है। अब यहां पर आपने क्या इकट्ठा करना है ये आपकी चॉइस है। आप अपना दिमाग खुला रख के बैठे हो, अच्छी अच्छी चीजें सुन रहे हो, चुन रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो एक दूसरे से, तो ये चीज आपके साथ जाएगी। आपकी मर्जी है, आप कचरा इकट्ठा कर सकते हो, इंजेक्शन कैसे लगता है वो भी सीख सकते हो, और कौन कौन से नशे होते हैं ये भी सीख सकते हो। सो दिस इज योर चॉइस, लेकिन ये काम आपके ही आने हैं, ये मेरे काम नहीं आने। क्लियर हो रहे। और एक लास्ट छोटी सी मेरे दिमाग में आ गई है, एक कारपेंटर था, कारपेंटर समझते हो ना, जो लकड़ी का काम करते हैं मकान वगैरह, बाहरले देशों में लकड़ी के मकान होते हैं, ये वहां की कहानी है। तो कारपेंटर था एक, वर्क काम करता था एक फैक्ट्री में, घर बना के वो बेचते थे, मालिक के लिए काम करता था ठेकेदार के पास, उस काम करता था मकान बनाता था, ऐसे चलता रहा काम। तो जब 60 साल के आसपास उम्र हुई, उसने कहा कि सर मेरे बच्चे सेटल हैं, मैंने काम नहीं करना, मुझे रिटायर कर दो, मेरा हिसाब किताब करो, मैं छुट्टी लूं। तो जो मालिक था ठेकेदार था जो उसका फैक्ट्री का, तो मालिक ने कहा कि यार तुझे रिटायर कर दूंगा, तेरी फेयरवेल भी कर दूंगा, अच्छे से तेरी पार्टी करूंगा, लेकिन यार मैंने ना एक मकान लास्ट ऑर्डर पकड़ा हुआ है, तू ये करके फिर चले जाना, ये मकान बना दे फिर तेरी फेयरवेल कर दूंगा, ये महीना 2 महीना जो भी है तू कर दे बस। तो क्या हुआ, उस आदमी ने कहा, मन तो नहीं था करने का लेकिन अब जाते जाते क्या बिगाड़नी मालिक से, तो उसने कहा कोई नहीं सर मैं बना देता हूँ। तो अनमने मन से वो आता रोज सुबह, बनाता ठक ठक करता है, अनमने मन से करता रहा 2 महीने में मकान बन के तैयार हो गया, और चाबी लेके मकान मालिक के अपने मालिक के पास गया, कहता लो सर मकान रेडी हो गया, अब मेरी फेयरवेल करो और मैं जाऊं।
तो मालिक बोला ये चाबी अपनी जेब में डाल ले। वो कहता क्यों? कहता ये तेरा ही मकान है, ये मैंने तेरे लिए बनवाया। अब सोचो उस आदमी पे क्या बीतेगी। अब वो पछता रहा है, कहता मैंने इतने बढ़िया बढ़िया मकान बनाए और लेकिन ये मकान मैंने अनमने मन से बनाया है। अगर मुझे पता होता ये मेरा तो ये मेरी जिंदगी का बेस्ट घर होता है। अब पॉइंट समझ आ रहा है, रहना तो उसी ने है ना। अब जो भी आप कर रहे हो ये इलाज करवा रहे हो इसमें मुझे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इसमें आप ही ने रहना है। आप अनमने मन से भी दिन काट सकते हो, आप दिल लगाकर भी ये दिन काट सकते हो, मर्जी आपके। देखो मैंने तो यहां आके बोलना शुरू कर देना, जैसे गुरुद्वारे वाला पाठी होता है ना, सुबह उठता है और बोलना शुरू कर देता, कोई सुने ना सुने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो ड्यूटी है, देखो राजू मैं तो ईमानदारी से करूंगा। इसका फायदा उठाना कि नहीं उठाना ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप समझदार हो थोड़े से भी तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो ना दवाई ने नशा छुड़वाना है तो ये आपकी गलत फहमी है। दवाई नशा छोड़ने में हेल्प किया करती है। अगर आप अंदर से नहीं बदले ना, आपका सोचने का तरीका नहीं बदला, तो लंबे रेस के घोड़े नहीं हो आप। ठीक है, समझ आ रही है बात? सूरज जी ईमानदारी से एक एक दिन करके आगे बढ़ना है और इस तरीके से हम जिएंगे। और लास्ट में एक चीज याद रखना कि ना त्योहार मनाते हैं हम, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? सारे ही मनाते हैं, दिवाली लोहड़ी है ना, सब मनाते हैं। सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगता है? दिवाली सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है ना। और जन्मदिन आप मनाते हैं, जिस दिन जन्मदिन होता है हम कितने खुश होते हैं? सब खुश होते हैं ना। दिवाली होते कितने खुश होते हैं हम, कितने दिन पहले तैयारियां करते हैं, हफ्ता पहले लग जाते हैं, कैलेंडर देखना शुरू कर देते हैं, 5 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, दशहरे के बाद शुरू हो जाता है ना रौनक, नहीं इस बार तो मार्केट में, ऐसे ऐसे बातें करने शुरू हो जाते हैं, वाह जी वाह दुकानें बहुत सज गई, हम घूमने निकलते हैं, हाँ बहुत ज्यादा रश हो जाता है। सो दिवाली का देखिए, हफ्ता करके वेट की, एक एक दिन करके दिवाली आ गई, और जिस दिन दिवाली है उस दिन हम कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। उस दिन कोई हमारा मूड खराब करने की कोशिश करे हम क्या कहते हैं? ओ भाई माफ कर, आज का दिन मूड खराब ना कर, आज मैं खुश रहना चाहता हूं प्लीज। और ऐसे ऐसे बंदे को हम खुद ही अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं यार इससे बात करने को फायदा नहीं, मूड खराब करता है। घर वाले भी उस दिन हमें भी कह देते हैं भी आज कलेश ना करें बाबा आज आज तंग मत करना, आज त्योहार है, हंसी खुशी बिता ले आज का दिन। ऐसे ही होता है ना, ज्यादातर ऐसे ही होता है। हाँ लक्ष्मी घर आएगी है ना, सो पैसा किसी को नहीं देना, लक्ष्मी घर आएगी। ऐसे जन्मदिन वाले दिन आप खुश होते हो, तो मैं एक चीज पूछ रहा हूं, जिस दिन दिवाली होती है या आपका जन्मदिन होता है उस दिन सूरज किसी और तरफ से चढ़ता है? नहीं, नहीं। दिन तो वैसा ही होता है। और बहुत सारे देश हैं जहां पर किसी को पता भी नहीं होता कि आज दिवाली है, और आपके अलावा तो किसी को दूसरे को पता भी नहीं होता कि आपका जन्मदिन है, लेकिन हम कितने खुश होते हैं। एक माइंड सेट ही है ना, एक माइंड सेट ही है कि आज दिवाली है और मैंने खुश रहना है, आज मेरा जन्मदिन आज मैंने खुश रहना है, ये माइंड सेट ही है ना जो हमें खुश रखता है। तो ये माइंड सेट आप रोज क्यों नहीं बना लेते सुबह उठ के, यार आज का दिन मैंने खुश रहना है और अच्छे से बिताना है। वेट क्यों करनी है मैंने दिवाली की, वेट क्यों करनी है मैंने किसी त्योहार की, खुश तो रोज ही रहा जा सकता है। रोज सुबह उठ के हम क्यों नहीं बना लेते कि आज का दिन मैंने ऐसे बिताना है कि यार मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है, और इतने प्यार से बताना है कि आज शाम को मैं मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस ना हो, है ना, और लोग मुझे याद करें इस ढंग से बिताऊं। अगर आपको पता हो कि कल मेरा लास्ट दिन है, आप छोटे मोटे झगड़ों में उलझोगे, उल्टा जिससे झगड़ा उसको भी हम कहेंगे यार माफ किया जा, क्योंकि कल ये याद करेगा मुझे यार कितना बड़ा दिलदार आदमी था। अगर पता हो ना, ऐसे भी लोग होंगे जो रो के बिता देंगे लास्ट दिन, और ऐसे भी होंगे समझदार लोग जो एक एक पल को ऐसे जिएंगे कि जैसे पूरी जिंदगी जी रहा हो। तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि हर रोज ऐसे उठें कि यार ये जिंदगी का लास्ट दिन है और ऐसे बिताना है कि यादगार, और आज के दिन ना मैंने किसी को दुख देना है और ना मैंने कोई नशा करना है। अगर हम इस ढंग से रोज बिताएं तो क्या मुश्किल है। और क्या बोलते हैं साधु,
वाणी क्या कहती है, सदा दिवाली सादकी आठों पहर बसंत, जिनको जीना आता है उनकी रोज दिवाली है, उनका रोज ही बर्थडे है।